अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आर्टिस्टिक मेंटर चैनल में आपको शामिल कर रहा हूँ। मैं हूँ आपका मेंटर जवाद। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ मास्किंग के बारे में। मास्किंग थ्री टाइप की तरह होती है, जिसमें हम लोग ड्रॉइल साइट होता है, क्लिप मास्किंग होता है और पेस्टिंग मास्किंग होता है। ड्रॉ इन साइट बेसिकली एक सिंपल सा टूल है, इसके ऐसे आप ये भी कह सकते हैं कि क्लिप मास्क की तरह ही टूल है कि आप जो है ना कि ड्राइंग साइड में क्या होता है, ये आपके पास थ्री ऑप्शंस आ रही हुई होंगी डाउन पे, इसको आपने कैसे यूटिलाइज करना है। ये ड्रॉ नॉर्मल क्या है, जब आप ड्रॉ नॉर्मल क्लिक करेंगे तो आप कोई भी चीज़ जिस तरह नॉर्मली कोई भी चीज़ आप ड्रॉ कर सकेंगे, इसके इस बॉक्स के बाहर जो है ना आराम से ड्रॉ होगी। लेकिन अगर आप जो है ना ड्रॉ बिहाइंड पे करते हैं, जो भी चीज़ ड्रॉ करते हैं, बस करें ये चीज़ मैंने ड्रॉ की, इसके बिहाइंड ड्रॉ होगी, और प्रेस करके इसकी मैंने कॉपी ली, इसके जो भी चीज़ आप ड्रॉ करोगे वो इसके बिहाइंड ड्रॉ होगी, इसके टॉप पे ड्रॉ नहीं होगी। थर्ड चीज़ जो हमारे पास ये ऑप्शन पे आ रही है वो है ड्रॉ इनसाइड की। ड्रॉ इनसाइड जब आपने ये फर्स्ट करें ये जब सिलेक्ट किया है, इसके लिए क्या होगा कि आपने जो चीज़ बॉक्स सिलेक्ट कर लिया, आपने ड्रॉ इनसाइड पे क्लिक किया, तो ये हमारे पास देखें ये ऑप्शन आ रही होगी। इसने चाहे आपने इसको डीसेलेक्ट किया है, लेकिन आप जो भी चीज़ बनाओगे वो इसके अंदर जो होगी वो विजिबल होगी। अदरवाइज बाहर जो भी चीज़ आप बनाओगे वो चीज़ विजिबिलिटी नहीं आएगी। ये देखें ये फटे बाहर बनाई चीज़, ये बाहर बनाई चीज़ कोई विजिबल नहीं होगी। जो भी चीज़ बनाऊंगा जो इसके अंदर होगी वो विजिबल होगी, बाकी और कोई चीज़ विजिबल नहीं होगी, बाहर कोई चीज़ विजिबल नहीं होगी। इसके जो भी चीज आप इसके अंदर बनाएंगे वो विजिबल होगा, जो भी चीज आप बाहर बनाएंगे वो विजिबल नहीं होगी। कंट्रोल से किया मैंने, ओके, ये चीज आपको समझ आ गया होगी कि आप बस करें ये चीज है, नीचे वाली चीज को इसमें क्लिप मास्क करना चाह रहे हैं, उसके लिए सेम पहले वाली ऑप्शन ही करेंगे, क्लिप मास्क आपके पास हो जाएगा। ओके, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और क्लिप मास्क करेंगे। देखिए ये शेप आपके पास आ जाएगी। उसके अलावा आपके पास क्लिप मास्किंग करने के लिए आपके पास इधर भी ऑप्शन मौजूद है, जब आप क्लिप मास्क करेंगे तो इधर मेक पे क्लिक करेंगे तो क्लिप मास्क हो जाएगा। कंट्रोल प्लस 7 इसकी शॉर्टकट की है क्लिप मास्किंग की, अगर आप क्लिप मास्किंग करना चाहें तो। ओके, ये देखें क्लिप मास्क हो गया। नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपके पास चला रहा हूँ वो है ओपेसिटी मास्क की ऑप्शन। ओपेसिटी मास्क की ऑप्शन कुछ थोड़ी बहुत डिफरेंट है क्लिप मास्किंग से, किस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट करें नीचे वाली जो चीज़ है उसको मैं ओपेसिटी मास्क करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ट्रांसपेरेंसी के पैनल में जाऊंगा। अगर ये पैनल आपके पास मौजूद नहीं है तो आप विंडोज में जाएंगे और ट्रांसपेरेंसी को क्लिक करेंगे तो आपके पास ट्रांसपेरेंसी का पैनल ओपन हो जाएगा। जब आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, मैं क्लिप मास्क में करूंगा तो ये देखें इसने क्लिप मास्क ही कर दिया। ओपेसिटी मास्क का एक और फायदा भी है कि अगर आप किसी भी इमेज को लेके आते हैं ओपेसिटी क्लिप मास्क, इसको आप कैसे यूटिलाइज करेंगे। फर्स्ट करें मैं इमेज ले आता हूँ पुराने वाली, पुराने वाली इमेज ले आता हूँ और इसके ऊपर क्लिप मास्क लगाता हूँ, तो ये देखें इसके एजेस शार्प है काफ़ी। अगर मैं फर्ज करें मैंने इसको जो है इसके लाइट एजेस बनाने हैं, इसके थोड़ा ब्लरी टाइप हो साइड से, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं गर्जियन ब्लर टूल में जाऊँगा, प्रीव्यू करूँगा कि किस तरह का आ रहा है ऑप्शन हमारे पास, इस तरह को ओके कर दूँगा।
इसको हमेशा आपने वाइट रखना है। वो भी क्यों रखना है वो भी मैं आपको भी थोड़ी देर तक बताऊंगा। वाइट इसको मैंने कर लिया। जब आप इसको मैं क्लिक पास करता हूँ तो ये देखें हमारे पास ब्लरी सी ऑप्शन आ गई साइड पे, और ऐसे जैसे कि मर्ज हो रहा है नीचे वाली वाइट बैकग्राउंड के साथ ही है। ओके, यही अगर मैं इसको, ये मस्ट है कि आपने वाइट रखना है, अदरवाइज अगर आपको ये फर्स्ट के लिए आपने ब्लू कलर रख लिया है, ब्लू कलर पे अगर इसको मास्क करते हैं, ये देखें इसमें ब्लू कटिंग टूल्स भी आ गया और इसके वो चीज़ नहीं है जो आप वाइट में आ रही थी। और अगर इसको आप ब्लैक कर लेते हैं तो ब्लैक में भी वो चीज़ ऑप्शन नहीं आएगी, ये देखें। ओके, ये चीज़ याद रखनी है कि आपने वाइट पे इसको यूज़ कर रहा है, वाइट पे जब इसको यूज़ करेंगे तो आपके पास करेक्ट मास्किंग की ऑप्शन आएगी। ओके, और अगर आप इसको करना चाहे, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होती है, आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। ओके, ये थी हमारे पास थ्री मास्किंग की सिंपल सी छोटी सी एक्सरसाइज। मुझे उम्मीद है आपको मेरा काम पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा। मैं लाता रहूँगा आपके सामने यही ट्यूटोरियल्स। 30 की सीरीज है मेरे पास, फिर इंशाल्लाह उसके बाद आप लोग फोटोशॉप सीखेंगे, फिर एडोब प्रीमियर सीखेंगे, फिर आफ्टर इफेक्ट्स सीखेंगे, उसके बाद एनिमेशन सॉफ्टवेयर की तरफ हम जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।